दिस वीडियो आवर टॉपिक इज एम्पीरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर फार्मूला। देखिए, जिस प्रकार से कोई भी कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल हो, उस मॉलिक्यूल का जो फार्मूला होगा वो कहलाता है मॉलिकुलर फार्मूला। और एम्पीरिकल फार्मूला क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल में जो अलग अलग एलिमेंट हैं उनके एटम किस रेशियो में प्रेजेंट है, वो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो क्या कहलाएगा, जिसको कि हम उस एलिमेंट के सिंबल के साथ डिनोट करेंगे, वो एम्पीरिकल फार्मूला कहलाएगा। तो वन बाई वन स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले एम्पीरिकल फार्मूला। द एम्पीरिकल फार्मूला इज द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एटम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट एंड द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बिटवीन एटम इज वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। एम्पीरिकल फार्मूला एक प्रकार का ऐसा फार्मूला होता है जो किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट और उन एलिमेंट के एटम के बीच में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। फिर से, कोई भी जो एम्पीरिकल फार्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का, वो ऐसा फार्मूला है जो किसी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट किसी एलिमेंट के एटम और उन एलिमेंट के एटम के बीच में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का हमारा फार्मूला होता है CH3COH। ठीक है, अब CH3COH में अगर हम यहाँ पे टोटल कार्बन को अगर काउंट करें तो कार्बन कितने हो जाएंगे, सी टोटल 2 कार्बन। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन टोटल कितने हो रहे हैं पूरे मॉलिक्यूल में, 4। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं यहाँ पे, 2। ठीक है, अब अगर हमको एम्पीरिकल फार्मूला का अभी भी नोट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है वो एलिमेंट को पहले सिंबल नोट करेंगे। अब इनके बीच में सिंपलेस्ट रेशियो को प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, 2:4:2। अगर हम इसको सिंपलेस्ट कर दें, 2 से सभी डिवाइड हो जाएंगे, 1:2:1 मतलब। और ये जो रेशियो हमारा फाइनल आ गया सिंपलेस्ट रेशियो, इसी को इस एलिमेंट के सिंबल के साथ सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखते जाते हैं, तो 1 लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2, और ये क्या हो गया, O। तो ओवरऑल फार्मूला क्या बन गया, CH2O। ये देखिए यहाँ CH2O। तो कहाँ से आया, सबसे पहले मॉलिक्यूल के फार्मूला हमको पता होना चाहिए, फिर उस मॉलिक्यूल में टोटल जितने एलिमेंट के एटम हैं, ईच एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम को हम उनके साथ सबस्क्रिप्ट में नोट कर लेते हैं, उनके बीच में हमेशा रेशियो निकाल लेते हैं, और रेशियो निकालने के बाद हम उसको सिंपलीफाई कर देते हैं। जो भी हमारा सिंपलेस्ट रेशियो आता है उसको उस एलिमेंट के एटम सिंबल के साथ नंबर को सबस्क्रिप्ट में डिनोट कर देते हैं, और जो भी हमारा यहाँ फार्मूला बन जाएगा यही कहलाएगा मॉलिकुलर, वो एम्पीरिकल फार्मूला। एक सेकंड एग्जांपल है, जैसे मर्क्यूरस क्लोराइड फार्मूला HG2Cl2। अब यहाँ अगर देखें तो मरकरी को नोट करेंगे, क्लोरीन को नोट करेंगे, रेशियो निकालें अगर तो कितना है, 2:2। सिंपलेस्ट कर दें तो क्या आ जाएगा, 1:1। तो ओवरऑल फार्मूला क्या बन जाएगा, HgCl। ये कहलाएगा एम्पीरिकल फार्मूला ऑफ मर्क्यूरस क्लोराइड। एक चीज़ यहाँ पे नोट करना है, स्पेशली मेनी कंपाउंड हैव द सिमिलर एम्पीरिकल फार्मूला बट दे हैव डिफरेंट मॉलिकुलर फार्मूला। ऐसे बहुत से कंपाउंड है जिनका एम्पीरिकल फार्मूला तो सेम होता है लेकिन मॉलिकुलर फार्मूला डिफरेंट होता है। जैसे एग्जांपल है एसिटिक एसिड CH3COH और
फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। इसका अगर हम इम्पीरिकल फार्मूला निकालेंगे, टोटल कार्बन कितने हो रहे हैं, 2H4O2, ये बन जाएगा CH2O, क्योंकि 2:4:2 है, सिंपलेस्ट कर देंगे CH2O, ये बन जाएगा इसका इम्पीरिकल फार्मूला। अगर इसमें अगर बनाते हैं तो इसका क्या बनेगा, कार्बन एक है फॉर्मल्डिहाइड में, हाइड्रोजन टू है ऑक्सीजन में, इससे सिंपल रेशियो तो इसका हो भी नहीं सकता। इसलिए क्या देख रहे हैं कि एस्टिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड हैं, लेकिन इनका इंपीरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड के इंपीरिकल फार्मूले सेम हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंट ही हो। नेक्स्ट नंबर मॉलिक्यूलर फार्मूला। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एटम एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। बिल्कुल सेम होता है इंपीरिकल फार्मूले के जैसा, लेकिन डिफरेंट ये है कि रियल में एक किसी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उतने ही यहाँ पे रियल नंबर को हम रियल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूले। द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एटम एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम और वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक प्रकार का किसी कंपाउंड का फार्मूला होता है जो कि किसी भी कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एलिमेंट के एटम और उनके एक्चुअल नंबर ऑफ एटम को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H12O6। बेंजीन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, C6H6। इसका मतलब ये है कि बेंजीन के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ग्लूकोज के केस में अगर देखें तो मतलब ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम होते हैं। नेक्स्ट, एक रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपीरिकल फार्मूला में, इट इज सिमिलर टू इंपीरिकल फार्मूला और मल्टीपल ऑफ इट। जो हमेशा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है, या तो इंपीरिकल फार्मूले के सिमिलर होता है या तो इसका कोई मल्टीपल होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर इंपीरिकल फार्मूला इंटू एन। यहाँ पे एन बराबर क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास। ठीक है, मतलब कि अगर मॉलिक्यूलर फार्मूले में इंपीरिकल फार्मूले में अगर एन से मल्टीप्लाई कर दें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा डिटरमाइन हो जाएगा। एन क्या है, मॉलिक्यूलर मास और इंपीरिकल फार्मूला मास का रेशियो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन।